की दिखाता हूँ ऐसी कुछ इसकी की, देखिए काफी अच्छा लुक है। जो पुरानी वाली बलेनो थी उसकी की भी कुछ इसी टाइप की थी, जो जेटा वेरिएंट आता था उसका, उसकी की भी इसी टाइप की थी। हेलो टू एवरीवन, तो भाई लोग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हूँ विटारा व्रेजा VXI के साथ। जैसे कि आप इसका पूरा लुक देख सकते हैं, काफ़ी प्यारी गाड़ी है दिखने में, और मारुति सुजुकी की मैं बोलूँगा मेरे को यही एक सेफेस्ट कार लगी है। जैसा आप इसका पूरा लुक देख सकते हैं, इसे 4 स्टार मिले हैं सेफ्टी रेटिंग में। तो अब मैं इसकी आपको लेंथ बताऊँ, तो गाड़ी की हमें लेंथ जो मिली है वो मिली है 3995 mm की, ब्रेथ मिल जाती है हमें 1790 mm की, और हाइट मिल जाती है 1640 mm की। जैसे कि आप पूरा इसका लुक देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में, क्या क्या है इसका सीन, फिर अगर कभी भी इसके टेस्ट ड्राइव का मौका मिला तो मैं इसकी टेस्ट ड्राइव जरूर दिखाऊंगा कैसी है ये चलने में, और ओनर से ही बात जरूर करेंगे अगर कभी मौका मिलता है तो। बट अभी हमारे सामने गाड़ी है तो हम इसका पूरा लुक वगैरह देख लेते हैं, कैसा कैसा लुक है, आप इसका पूरा लुक एक बार। हमें यहाँ LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाती हैं, यहाँ में देखिए DRL मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बहुत प्यारी सी क्रोम की फिनिश है, बीच में सुजुकी का लोगो है, और आप एक बार इसका पूरा लुक देख सकते हैं। नीचे साइड जाएं तो नीचे में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाती हैं, नीचे ब्लैक कलर की फिनिश दी गई है, व्हाइट कलर कार का है ये। सामने से आप एक उसका पूरा लुक ले सकते हैं। बेसिकली जो टोयोटा की अर्बन क्रूजर है उसका भी सेम ही लुक है इस जैसा। मैं कभी उसकी वीडियो का मौका बना तो जरूर बना के आपको दिखाऊंगा, बट वो उसका लुक भी सेम है, बस यहाँ बीच में सुजुकी की जगह टोयोटा का लोगो है बस। उनकी भी काफी एक अच्छी स्टोरी है, कभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम आगे चलते हैं। अब हम बात करें इसके टायर की, हमें स्टील रिम, ब्लैक स्टील रिम में टायर मिलते हैं व्हील कवर के साथ, जो कि ट्यूबलेस है। MRF के टायर मिल जाते हैं हमें, और 16 इंच के हमें इसका टायर मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा 16 इंच के हमें इसका टायर मिल जाते हैं, और ये बहुत प्यारा सा लुक इसका, आप साइड से पूरा देख सकते हैं इसको। अब हम चलते हैं इसके बैक पोर्शन पे, अगर हम पीछे से देखें तो पीछे से कुछ ऐसी लगती है विटारा ब्रेजा। यहाँ मिल जाती है हमें LED बैक लाइट, यहाँ बगल में मिल जाता है हमें इंडिकेटर, ये बैक लाइट मिल जाती है, आप पीछे उसका पूरा देख सकते हैं। पीछे विटारा ब्रेजा क्रोम फिनिश के साथ, पूरा लुक देख लीजिए आप पीछे से। और हम एक और बात करें तो यहाँ हमें मिल जाती है रूफ रेल्स, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत प्यारी सी रूफ रेल्स मिल जाती हैं, और ये है इस गाड़ी का एंटीना। तो अब ये हो गया गाड़ी का पूरा आउटर लुक की बात, अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको उसकी की दिखा देता हूँ, उसकी की कैसी है। ऐसी कुछ इसकी की, देखिए काफी अच्छा लुक है। जो पुरानी वाली बलेनो थी उसकी की भी कुछ इसी टाइप की थी, जो जेटा वेरिएंट आता था उसका, उसकी की भी इसी टाइप की थी। तो सबसे पहले करते हैं हम अनलॉक, चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये इसके सेंसर है, नॉर्मली सेंसर से भी खुल जाता है। अब हम गाड़ी के अंदर आ गए, बगल में देखिए आपको सारे यहाँ पावर विंडो से कंट्रोल मिल जाते हैं, विंडोज के लॉक अनलॉक के। इधर आपको ORVM का कंट्रोल नहीं मिलता जैसे कि बलेनो में मिल जाता था। तो अब हम मैं कर देता हूँ उसे बंद, और अब मैं दिखाता हूँ उसके अंदर का लुक। गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, ऐसी है कुछ इसकी स्टीयरिंग, इधर देख सकते हैं आप, इधर आपको सारे कंट्रोल मिल जाते हैं स्टीरियो के। इधर कोई ब्लूटूथ वगैरह का नहीं है, पूरा आप स्टीयरिंग देख सकते हो, काफी पतली सी अच्छी सी स्टीयरिंग है। ऐसी है कुछ इसकी MID डिस्प्ले, अभी मैं इसे ऑन करके दिखाऊंगा, बताऊंगा क्या क्या है। आपको यहाँ मिल जाता है RPM मीटर, इधर स्पीडोमीटर मिल जाता है, बीच में एक छोटी सी MID डिस्प्ले है, अभी इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इधर चलते हैं तो इधर हमें ये दो AC वेंट्स मिल जाते हैं, ये बीच में इसका प्यार सा एक स्टीरियो है, काफी इजी, मतलब काफी अच्छा सा लग रहा है दिखने में भी, अभी इसके बारे में बात करेंगे। नीचे चलते हैं तो नीचे हमें मिल जाते हैं AC के पूरे कंट्रोल्स। नीचे चलते हैं तो इधर हमें मिल जाता है चार्जिंग स्लॉट, मतलब यहाँ हमें मिल जाता है ऑक्स केबल, ऑक्स के लिए USB, और यहाँ मिल जाता है हमें चार्जिंग स्लॉट। नीचे हमें मिल जाती है थोड़ी सी स्पेस फोन वगैरह कुछ रखने के लिए। ये बहुत प्यारा सा एक इसका गियर है, 5 मैनुअल गियर इसके अंदर मिलते हैं, एक बहुत प्यारी सी एक अच्छी सी हैंड ब्रेक, इधर दो कप होल्डर्स के लिए स्पेस, और पीछे हमें स्पेस मिल जाती है। साइड में चलें तो इधर मिल जाता है हमें, आप इधर से इधर बहुत प्यारा सा और काफी अच्छी स्पेस वाला ग्लव बॉक्स, और ऊपर भी हमें मिल जाता है इस साइड, आप देख सकते हो इधर भी एक छोटा सा ग्लव बॉक्स दिया गया। अब चलते हैं इसके ऊपर की साइड, मैं जैसे दिखा सकता हूँ, इधर वाले सनवाइजर पे कोई भी हमें मिरर नहीं मिलता है, और इस साइड वाले सनवाइजर पे हमें एक मिरर मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हो। बीच में नॉर्मल सा एक प्यारा मिरर है, हाथ से कन्वर्ट होता है, ऐसा कुछ भी इसमें कन्वर्जन के लिए और कुछ दिया नहीं गया है। अब हम बात करते हैं इधर वाली स्विचेस की, इधर हमें मिल जाती है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, क्योंकि इसकी जो की है वो मैनुअल की नहीं है, स्टार्ट स्टॉप वाला है सीन है इसका। इधर हमें मिल जाते हैं ORVM साइड वाले ORVM कंट्रोल। अब मैं एक बार आपको इसके दिखाता हूँ ऑन करके, इसे मैं दबाता हूँ, ये हमारी हो चुकी, एक बार हमने दबाया, अब मैं इसे करता हूँ एक बार ऑन, क्लच दबाते हैं, जैसे गाड़ी हो चुकी हमारी ऑन।
ऐसा है, ऐसी है कुछ इसकी MID डिस्प्ले, जैसा कि आप देख सकते हो काफी प्यारी MID डिस्प्ले है, सब कुछ डिस्प्ले में दिख जाता है आपको, फ्यूल का इंडिकेशन दिख जाता है इधर, और ये आपको ये किलोमीटर्स मालूम पड़ जाते हैं, ऊपर टाइम के लिए दिया गया, ये RPM है, सीट बेल्ट के लिए इंडिकेटर दिया गया है। ऐसी है कुछ इसकी MID डिस्प्ले, जैसे कि आप देख सकते हो काफी प्यारी और काफी नॉर्मल सी है, आप देख सकते हो इसमें आपको हर चीज दिखेगी जो जरूरी है इसके अंदर। अब हम चलते हैं इसके स्टीरियो पे, ऐसा है कुछ इसका स्टीरियो, नॉर्मल यूज है स्टीरियो का, जैसा कि मैं आपको मैंने आपको इग्निस में बताया है, और जैसे कि मेरा बलेनो में है थोड़ा सा उसी टाइप का इसमें स्टीरियो दिया गया है, आप इससे इसी से इसे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूट व्यूट वॉल्यूम यहां से बढ़ा सकते हैं, ट्रैक वगैरह यहां से चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए कि कैसे वर्क करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बता दूंगा कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे इसे यूज करता है और कैसे कैसे चलता है। तो ये तो हो गया इसके पूरे फ्रंट पोर्शन की बात, एक बार इसका पूरा फ्रंट पोर्शन आप देख सकते हो, व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ही प्यारा लग रहा है, इधर भी एसी वेंट्स दिए गए हैं, आप इधर से इसको देख सकते हैं, साइड में ऐसा कुछ इसका लुक है। और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी हम चलते हैं इसके पीछे वाले पोर्शन में, रियर पार्ट में देखते हैं रियर पार्ट में क्या क्या हमें मिल जाता है, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। अब हम इसके रियर पार्ट में आ चुके हैं, रियर पार्ट में देखा जाए तो स्पेस जो है भाई वो काफी अच्छी स्पेस मिल रही है, मैं आराम से कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। इधर ये इसका कुछ रखने के लिए हमें दिया गया है, बेसिकली आपको टांगना वांगना हो तो शायद उसी के लिए है ये, हाँ कुछ टांगने के लिए ही दिया गया हमें ये। तो आप एक बार देख सकते हैं पूरा ब्रेजा का ऐसा है कुछ रेयर से लुक, जो कि काफी अच्छा लग रहा है, पूरी ब्लैक फिनिश आपको मिल जाती है, बीच में सिल्वर फिनिश दे दी गई है और इस साइड भी वो थोड़ी सी सिल्वर फिनिश हमें मिल जाती है। आप एक बार पूरे लुक को देख सकते हैं जैसा कि ये इसका दिया गया है। अब हम चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में, ऐसा साइड में कुछ ऐसा ऐसा सीन है इसका, मतलब काफी कंफर्टेबल गाड़ी है, सेफेस्ट कार भी है ये, और मारुति की सेफेस्ट कार है, मैं ओवरऑल नहीं बोल रहा, एक मारुति की सेफेस्ट कार है, काफी अच्छा साइज है, काफी प्यारी SUV है ये। तो ये सब तो हो गया इसका ये वाला पोर्शन, अब चलते हैं इसकी बूट स्पेस में, मैं इसे कर देता हूँ एक बार अनलॉक, यही नॉर्मली यही सेंसर दिया गया जैसे आप देख सकते हो, इधर इसकी लाइट दी गई है, इधर ही बीच में सेंसर मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हो। अब इसकी बूट स्पेस जो मिलती है वो अप्रोक्सीमेटली 328 के आसपास की इसकी बूट स्पेस है, बाकी आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा जो भी होगा। और मैं नीचे दिखाता हूँ, ये हमें देखिए इसका स्पेयर टायर मिल जाता है, स्टील रिमी स्पेयर टायर मिलता है, MRF का, ये भी ट्यूबलेस मिलता है, देखिए 16 इंचेस का हमें स्पेयर टायर इसके अंदर मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो। इसे मैं अब कर देता हूँ बंद, काफी अच्छी बूट स्पेस दी गई है, मतलब नॉर्मली काफी सामान आप रख सकते हो, ज्यादा डीप नहीं है, जैसे बलेनो में काफी डीप है, इसमें इतनी डीप नहीं है, ठीक है आप सामान आराम से रख सकते हो। ये पार्शल ट्रे में हमें इसके अंदर मिल जाती है, ये दोनों साइड से आराम से ऐसी पार्शल ट्रे है कुछ। इसे कर देता हूं मैं अब अनलॉक, इसे करता हूं मैं अब लॉक, जैसा मैं इसे करता हूं बंद। ये पीछे से इसका पूरा लुक है। अब हम चलते हैं इसके मेन पार्ट्स के इंजन की साइड और बात करते हैं कैसे कैसे पावर जनरेट करता है और कैसा है इसका इंजन। और एक चीज और रहेगी जैसे मैं आप दिखाता हूं, सबसे पहले जो इसका हमें फ्यूल टैंक मिल जाता है, उस समय स्ट्रेट फ्यूल टैंक मिलता है, 48 लीटर का फ्यूल टैंक हमें इसके अंदर मिलता है। बाकी अब चलते हैं इसके इंजन की साइड, तो चलिए मैं करता हूं एक बार इंजन को अनलॉक, ये रहा और ये खुल गया। खोल लेते हैं इसका इंजन एक बार, ये खुल चुका है इसका इंजन, इसके ये जो स्टिक साइड मिलती है जैसे कि आप, मैं इसे लगा देता हूं एक बार। अब हम इसके इंजन की बात करते हैं तो हमें सर जो इंजन मिलता है वो मिलता है 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 103 BHP 6000 RPM पे और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 138 Nm 4400 RPM पे। 5 मैनुअल गियर से इसके अंदर और BS6 स्टैंडर्ड एमिशन मिल जाता है इसके अंदर, आप एक बार इसका पूरा इंजन देख सकते हैं। और जो कंपनी क्लेम करती है माइलेज इसके साथ वो मिलता है 17.03 का, तो बाकी आपके चलाने के ऊपर आप कैसे गाड़ी को चलाते हैं, ये इसका पूरा इंजन है जैसा कि आप देख सकते हो। अब मैं इसे करता हूँ एक बार बंद, और मैं इसे करता हूँ बंद, तो ये था पूरा विटारा ब्रेजा VXi के बारे में सब कुछ, जितना भी आपको, अगर इस वीडियो में, ये वीडियो मैंने आप ही के लिए बनाई है, अगर आप कभी इसे खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो जरूर लो, क्योंकि काफी अच्छी गाड़ी है और मारुति की सर्विसिंग भी काफी अच्छी है। जिसकी ऑन रोड प्राइस है वो है अप्रोक्सीमेटली 9,53,000 के आसपास की इसकी आपको ऑन रोड प्राइस मिल जाएगी, बाकी आपके ऊपर है आप कैसे डीलरशिप से बात करते हैं और किस डीलरशिप से आप ले रहे हैं। ये आगरा से ही गाड़ी उठी हुई है। तो ये सब था इस गाड़ी के बारे में, तो आज हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मैं और इंटरेस्टिंग और कार की वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। अगर कुछ कमेंट वगैरह जरूर आप मुझे करके बताइए कैसा कैसा आपको लगा और किस गाड़ी की आप वीडियो चाहते हैं। और आज हम टारगेट रखते हैं 50 लाख का, भाई प्लीज कंप्लीट कर दो, 50 लाख आप कर सकते हो इतना मैं जानता हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यहां तक वीडियो देखी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। थैंक यू सो मच।